हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। जैसे हमें 21 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे हम, पहले इस 2 का क्यूब निकालेंगे, 8 लिख दिए, 1 का क्यूब निकालेंगे 1। अब क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4 हो गया। अब क्या करेंगे इस नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2। अब क्या करेंगे हम लोग स्टेप में कि ये जो है इसका दोगुना करके यहाँ लिख देंगे, 4 का दोगुना 8 और 2 का दोगुना 4। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है, ऐड करने पे 1 4 2 6 8 4 12 और ये 8। अब क्या करेंगे एक एक डिजिट उठा जाएंगे, लिखते जाएंगे 1 6 2 और ये जो 1 है अब ये कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, एक से ज़्यादा डिजिट होगा तो नेक्स्ट पर कैरी ओवर कर देंगे, तो 8 + 1 9 आ गया आंसर। अब जैसे हमें निकालना है 22 का क्यूब, ठीक है, तो क्या करेंगे 2 का क्यूब निकाल लेंगे 8, फिर 2 का क्यूब निकाल लेंगे इसका 8। अब क्या करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर इंटू नेक्स्ट का मल्टीप्लीकेशन, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो गया। फिर ये क्या करेंगे इस नंबर का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ये भी 8 हो गया। अब क्या करेंगे इसका दोगुना करके यहाँ हम जोड़ देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे 8 24 24 8। अब क्या करेंगे एक एक डिजिट लिखते जाएंगे, 8 इसका 4, ये जो 2 है यहाँ चला जाएगा, तो 24 + 2 26 ये हो जाएगा 6 और ये 2 यहाँ चल जाएगा, तो 8 2 10 आ गया आंसर, ठीक है। अब जैसे हमें निकालना है 26 का क्यूब, क्या करेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 6 24, अब क्या करेंगे 6 का स्क्वायर इंटू 2 72। अब क्या करेंगे कि इसका दोगुना करके यहाँ लिख देंगे 48 और इसका हो गया 144। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 216 में कुछ नहीं, 216 इसको ऐड करेंगे तो ये भी 216 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 72, ये हो जाएगा 8। एक एक डिजिट हम लोग उठाते जाएंगे और लिखते जाएंगे 6, ये 21 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 732। अब यहाँ से 7 लिए और 23 ये जो है कैरी ओवर हो गया यहाँ, ये हो गया 95, यहाँ 5 ले लिए और ये जो 9 है यहाँ कैरी ओवर हो गया, 8 9 17 आ गया आंसर, ठीक है। अब है कि क्यूब क्यूब निकालना हमने सीख लिया, अब है कि हाउ टू फाइंड परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे हमें दिया हुआ है 5 8 3 2, तो क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है 3, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 3 का पेयर बना लेंगे राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 3 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, 4 डिजिट है तो पहला 3 और जितना लेफ्ट हो गया ये इधर आ गया। अब क्या देखेंगे कि ये जो लास्ट डिजिट नंबर है ये किसके किसके क्यूब में आता है, तो क्यूब भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1 4 5 6 9 इन सब का क्यूब कीजिएगा तो इसका लास्ट डिजिट एज इट इज आएगा, एज इट इज, ठीक है, यही आएगा। और रह गया अब 2 और 3, 2 का अगर क्यूब कीजिएगा तो लास्ट डिजिट 8 आएगा और 8 का क्यूब कीजिएगा तो लास्ट डिजिट 2 आएगा, 3 का क्यूब कीजिएगा तो लास्ट डिजिट 7 आएगा और 7 का क्यूब कीजिएगा तो लास्ट डिजिट 3 आएगा। तब यह है कि 2 किसके किसके क्यूब में आएगा, तो 2 आएगा 8 के क्यूब में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस साइड के नंबर को देखेंगे, ये जो नंबर है कि ये इससे छोटा कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हो, तो देखेंगे 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 4 2 8, इससे छोटा है मतलब ये तो नहीं हो पाएगा, और उससे छोटा 5 से छोटा नहीं, 8 जो है इससे बड़ा हो गया तो हो जाएगा 1 1, का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब जैसे हमें निकालना है मान लीजिए कि 2 4 3 8 9 का क्यूब हमें निकालना है, क्या करेंगे राइट हैंड साइड से 3 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो लास्ट डिजिट है वो किसके किसके क्यूब में आता है, तो ये जो है एज इट इज उसी के क्यूब में आएगा, 9 के क्यूब में ही आएगा, तो 9 हो गया। अब इससे छोटा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब हो, अगर 3 का क्यूब देखें तो 3 3 9 तो 27, इससे बड़ा हो जा रहा है, तो इससे छोटा क्या हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8, 8 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये हो गया 29 आ गया आंसर, ठीक है। तो अब जैसे हमें एक और निकालना है, जैसे मान लीजिए कि 4 6 6 5 6 का, अब हम क्या करेंगे 3 3 का पेयर बना लेंगे, ये देखेंगे कि ये जो है किसके किसके क्यूब में आता है, तो ये तो एज इट इज 6 के क्यूब में जाएगा। अब इससे छोटा नंबर, अब इससे छोटा आप जैसे देखिए 4 का क्यूब क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 × 64, इससे बड़ा हो गया, 3 का स्क्वायर 3 9 9 3 27, इससे छोटा है तो 27 का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा 3, ये आ गया 36, तो ये आ जाएगा आंसर। तो ये हमने सीख लिया अभी कि क्यूब किसी नंबर का कैसे निकालते हैं और परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर किसी भी नंबर का क्यूब रूट, वो तो परफेक्ट क्यूब रूट था, अब है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे ये अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमें मान लीजिए कि निकालना है 71 का क्यूब,
क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो अब हम देखें कि इस नंबर के आसपास ऐसा कोई नंबर है जो परफेक्ट क्यूब हो, तो क्या है 64 है, इसका 4 का स्क्वायर 16, 6 का 64, 64 जो है परफेक्ट क्यूब रूट है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 71 को लिख सकते हैं 64 प्लस 7, ऐसा लिख सकते हैं। इसका हमें पता है कि इसका क्यूब रूट होगा, क्यूब जो है रूट होगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 4 प्लस, ये प्लस साइन है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, 7 निकाल के आ रहा है हम लोग क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्या होता है 3, तो 3 लिख देंगे और ये जो नंबर है यहाँ पे इसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 4 प्लस 7 बाई हो जाएगा ये आपको 48, इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 0 पॉइंट, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये 4, तो ये आ जाएगा 4.14। ये जो है अप्रॉक्सीमेटली ये इसका जो क्यूब रूट है वो 4.14 के आसपास होगा, ठीक है। अब जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए कि 132 का क्यूब रूट निकालना है, तो इस नंबर के आसपास ऐसा जो इसका परफेक्ट क्यूब रूट हमें पता हो, जो वो हो गया 125 आप प्लस 7, 132 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका हमें पता है 5 होगा, तो क्या करेंगे 5 प्लस 7 बाई 3 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर 5 × 5, ये क्या हो गया 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 75, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.0 देंगे फिर भी नहीं होगा, तो 0 और फिर आ जाएगा डबल 0 तो 93, तो ये आ जाएगा 5.093, ये जो होगा अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास होगा। अब जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए 122 का क्यूब रूट, तो क्या करेंगे इसके आसपास कौन सा है 125 जिसका हमें पता है, इसको माइनस 3 लिख सकते हैं, इसका हमें पता है 5, तब क्या करेंगे 5 माइनस 3, माइनस है तो माइनस साइन, प्लस रहेगा तो प्लस साइन लेंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस साइन, माइनस है तो माइनस साइन, ये जो डिजिट है वही रह जाएगा 3। अब क्या कर रहा है क्यूब रूट, तो 3 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर 5 × 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/25, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 0.04, ये कितना आ जाएगा 4.96, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और फॉर्मूले के लिए सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच।